नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। भारत इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में 20 देशों के नेता और कई डेलीगेट शामिल होंगे, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली में भी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 9 और 10 सितंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किन रास्तों को 9 और 10 सितंबर को बंद किया जाएगा, उसकी जगह आप किन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या आपको ना आए। राजधानी में हो रहे G20 को लेकर अजमेर गेट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रास्ता 10 सितंबर को सुबह 5 बजे से 1 बजे तक बंद रहने वाला है, इसलिए मेट्रो सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। वहीं अगर सड़क मार्ग से होकर आपको जाना है तो धौला कुआं, रिंग रोड, नारायण फ्लाईओवर, मायापुरी चौक, प्रीति नगर, मेन रोड, सादीपुर फ्लाईओवर, पटेल रोड, मुख्य मथुरा मार्ग, पूसा गोल चक्कर, पूसा रोड, पचकुंडा रोड, आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज साइट या मिंटो रोड अजमेरी गेट साइड के लिए भवभूति मार्ग और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए युधिष्ठिर सेतु, बेलेगोड़, रानी झील, फ्लाईओवर, झंडेवालन गोल चक्कर, बीडी गुप्ता रोड, सीला सिनेमा, पहाड़गंज ब्रिज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँचा जा सकता है। तो कैसी लगी दोस्तों यह जानकारी, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।